हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स जीके का इम्पोर्टेंट कलेक्शन, जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसे पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और आप लोग इस क्वेश्चन को पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करके देखिए कि कितना आप सही कर पाते हैं, ठीक है। और 10 सेकंड आप लोग को क्वेश्चन देने के बाद वेट किया जाएगा, उसके बाद इसका आंसर डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप लोग इसको इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है। एक वायु यान वाहक युद्धपोत है, मिसाइल वाहक पनडुब्बी है, या उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है, या महाद्वीपांतर प्रक्षेप अस्त्र है। तो क्या है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत किस्म का हल्का हेलीकॉप्टर है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। तो कौन सा देश जो है, जापान, इजराइल, जर्मनी या रूस, इन चारों में से कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, जापान है, इजराइल है, जर्मनी है या रूस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस जो है अपना पहला आर्कटिक पे निगरानी रखने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर वैनगंगा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी या कृष्णा। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, वैनगंगा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर या कृष्णा नदी के तट पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। वैनगंगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो मनुष्य का जो शरीर है उस जगह पे किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, अग्नाशय में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यकृत, तिल्ली, अग्नाशय या अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में किन दो भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया, सी वी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, या सी वी रमन एवं हरगोविंद खुराना को, या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एवं हरगोविंद खुराना को, या फिर सी वी रमन एवं अमर्त्य सेन को। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग मार्क कीजिए, किन दो भारतीय को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी वी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, देखिए, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, या कंट्रोल यूनिट को, या प्रोग्राम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी जो है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को जो है कंप्यूटर के नर्व सेंटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन की बुक टाइटल्ड एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसके द्वारा लिखा गया है। बुक टाइटल्ड एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसके द्वारा लिखा गया, रिहान रिचर्ड के द्वारा, एहसान मनी के द्वारा, रॉस मैकलम के द्वारा, या अनिंद्रिया दत्ता के द्वारा। ये अनिंद्रिया दत्ता के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुक टाइटल एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, अनिंद्रिया दत्ता के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। पुरी का रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में की जाती है, चैतन्य महाप्रभु, श्री साईं बाबा, भगवान राम, भगवान जगन्नाथ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरी का रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है, ऑस्मियम है, हीरा है, पारा है या लिथियम है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिथियम।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सके तो अपने चाहने वाले को भेज भी सकते हैं जिसको इसका ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का प्रक्षेप अस्त्र है। तो भूमि से वायु यानी भूमि से वायु में मार करने वाला कौन सा अस्त्र है, नाग है, अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेप अस्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है, वाटर पोलो का, रग्बी का, टेबल टेनिस का या बास्केटबॉल का। तो पिंग पोंग किसका अन्य नाम है, पिंग पोंग जो है टेबल टेनिस का अन्य नाम है। ठीक है, पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है, तो टेबल टेनिस का अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 14 अगस्त, 12 जून, 14 जून या 15 जून। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है अभी रिसेंटली मनाया गया है 14 जून को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैटूर परियोजना किस नदी पर है। तो मैटूर परियोजना पेरियार नदी पर है, भवानी नदी पर है, कावेरी नदी पर है या कृष्णा नदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। डिब्रूगढ़ में है, कांडला में है, विशाखापट्टनम में है या देहरादून में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओएनजीसी का मुख्यालय जो है देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन सा है, ताराशंकर बंदोपाध्याय, गोविंद शंकर कुरूप, सुमित्रानंदन पत्र या उमा शंकर। तो भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति जो है गोविंद शंकर कुरूप है, जी शंकर कुरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको शॉर्ट नाम जी शंकर कुरूप से जानते हैं, इसका फुल नेम है गोविंद शंकर कुरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 चीन एक महा मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर यान होगा, ठीक है। तो चीन एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, इस अंतरिक्ष यान का नया क्या है, इस आंतरिक यान का नाम क्या है, सिन चैन 3, चांग वन 5, सेझाओ 8 या फिर सयो जो एन 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेझाओ 8, ठीक है। चीन का जो मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसका अभी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है उसका नाम है सेझाओ 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, मनमोहन सिंह, अमर्त सेन, रघुराम राजन या उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है, रघुराम राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा राज्यसभा, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट किया गया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ये राज्यसभा लिखा हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का नया नाम क्या है। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी का नया नाम सांसद टीवी कर दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नागर होल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नागर होल नेशनल पार्क कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, अरावली का, बिंदे का, नीलगिरी का, नंदा देवी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागर होल नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। नागर होल नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि कितने बच्चे को वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, कितने बच्चे को 2021 में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 21, 32, 45 या 52। तो कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो पर्यटकों के लिए सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में पर्यटकों के लिए सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है, प्राकृतिक गैस में क्या होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, या उपयुक्त में से सभी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओहोम जनजाति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रहती है। ओहोम जनजाति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रहती है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओहोम जनजाति असम में रहती है, ओहोम जनजाति असम में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है, सेधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो सेधा नमक में जो होता है सोडियम होता है, जिप्सम होता है, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेधा नमक में सोडियम रहता है। चलिए इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था 1921, 1917, 1919 या फिर 1915 में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।